Very good morning, kids. Welcome back to Online Class of Shafi Valley Academy. Today I'm going to start a new chapter, chapter number 6, Multiplication of Class 4. Okay, so let's start. Find the product. Question number 4 is find the product and also write an addition. ठीक है, देखिए बेटा, इसका पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है, मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है. 3 4 12. ओके, अब देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है, जो आपका 3 है वो कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स है. हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. सो देखिए, 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है, तो कितना हुआ बेटा, देखो 3 + 3 + 3 + 3, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो भी आपका क्या आएगा, 12 आएगा. अगर आप उसको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका क्या आएगा, 12 आएगा. राइट, इसी तरह 2 7 = 40. ओके, तो देखिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 3 × 6 and 1 = 7. ओके, तो आपने 2 कितने टाइम्स लिखना है, 7 टाइम्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 आपका कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स. ओके, आप देखिए बेटा, 6 × 3 = 18. ओके, तो आपको 6 कितनी टाइम्स लिखना होगा, 3 टाइम्स. 6 + 6 + 6. ओके, देखिए बेटा, अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 = 12. ओके, अब इसका एडिशन सेंटेंस लिखने के लिए कहा जाए तो एडिशन सेंटेंस में आपको क्या करना है, 3 + 3. कैसे, 3 इसका मतलब क्या है, जो 3 है वो कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है. कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स सॉरी. ठीक है, तो आपको 3 × 3 + 3 + 3 + 3, इसलिए 2 7 = 14. क्या है, 2 7 = 14. तो बेटा देखिए, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, यानी कितने टाइम, 7 टाइम्स. ओके, 6 × 3 = 18. अब देखिए बेटा, इसमें 18 है ना, ठीक है, अब आपको 6 यानी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स. तो 6 + 6 + 6, ठीक है, तो ये आपने 3 × 6 लिख दिया. ये था आपका एडिशन सेंटेंस और ये था आपका प्रोडक्ट. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट. आपको सिंपल प्रोडक्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था, मल्टीप्लाई करना. देखिए 17 8 बेटा क्या होता है, 17 8 = 136. 19 9 = 181. ओके, 12 3 = 36 एंड 14 5 = 70. सिंपल आपको इसमें प्रोडक्ट फाइंड करना है और इसी तरह इसके सारे पार्ट करने हैं. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द ऑर्डर प्रॉपर्टी एडिशन. ठीक है, देखिए बेटा, मल्टीप्लाई में चाहे आपका 2 × 3 हो, ठीक है, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, और 3 × 2 हो तब भी आपका आंसर सेम आएगा. चाहे 2 3 से मल्टीप्लाई हो, चाहे 3 2 से मल्टीप्लाई हो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें, अगर आप 5 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपका आंसर सेम आएगा, और 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा. इसी तरह 9 को 6 से करेंगे तो भी, और 6 को 9 से करेंगे तब भी. तो बेटा देखिए, इसमें क्या करना है, 5 × 17 है तो मैं लिख देंगे 17 × 5. ओके, ये 9 × 6 है तो लिख देंगे 6 × 9. ठीक है, 4 × 1 = 7 है तो देखिए 1 2 8 and 4 × 1 = 7. ओके, एंड 75 1 × 6. ठीक है, सो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका फिल इन द ब्लैंक्स. ओके,
देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो। ठीक है, इसलिए 137 को मल्टीप्लाई आप जीरो से करेंगे तो क्या आएगा आपका, जीरो। और जीरो को 805 से करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, जीरो। ठीक है, जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है आपका क्या आता है, जीरो ही आता है। ओके, एंड 131 किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आपका सेम आता है। ठीक है, 131 इसी तरह 1729 है, इसको 1 से करेंगे तो आपका 1 नंबर है। राइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टेन सेंटेंस टू राइट यस और नो नेम द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है, प्रॉपर्टी मीन्स, देखिए बेटा मैंने आपको बताया एक चीज कि मल्टीप्लाई में आप नंबर अगर सेम है तो चाहे कैसे भी आप इसको ऑर्डर में लगा के मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका ठीक है सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाई चीज कि भले इसका ऑर्डर देखिए आप 15 × 4 × 3, ठीक है, इसमें आपका 3 पहले आ गया है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 15 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिट तो सारे नंबर्स तो हमारे सेम है ना। ठीक है, नंबर आपके सेम होने चाहिए, नंबर कोई अलग नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ 16 होता, ठीक है, या यहाँ 2 होता, तब आपका जो प्रोडक्ट आता वो आपका डिफरेंट आता। ठीक है, बट यहाँ क्या आपका सारे नंबर सेम है तो आपका जो इसमें प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, दोनों का सेम आएगा, इस साइड भी और इस साइड भी। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका चाहे नंबर आपका ऑर्डर कुछ भी हो बट हर तरफ नंबर सेम हो, मीन्स दो नंबर आपका एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, हम दो दो करके तो करते हैं, फिर आपका थर्ड नंबर हो, फिर आपके कोई दो नंबर हो, फिर आपका थर्ड नंबर हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है, तो ये लिखेंगे यस, ये सेंटेंस आपका क्या है, ट्रू है, और यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए इसी तरह ये क्वेश्चन है, 2, 3 and 7 मतलब सारे आपके नंबर सेम है, तो 2 × 3 × 7 2 × 7 × 3 मीन्स आपका सारे नंबर सेम है बट आपके ऑर्डर अलग अलग हैं, तो ये भी आपका सेंटेंस सही है और आपका क्या है, यस दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए अब बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसी के दोनों पार्ट आपको करने, दोनों ही आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हैं और दोनों ही आपके ट्रू हैं। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपको ये प्रॉपर्टी गिवन है, जो आपको ये गिवन है, इसका आपको नेम लिखना है। देखिए मैंने अभी आप देखिए 7 × 10 + 5, ठीक है, अगर आप 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या आएगा, ये आएगा, और दोनों ही कंडीशन में आपके आंसर सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए है, ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू, ए को आप पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से प्लस ए को सी से, ठीक है, मीन्स पहले आपका ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये वाला नंबर आपका इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और दोनों के बीच में किसका साइन है, ऐड का, तो आपने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस का साइन है ना, तो आपने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अगर ऐसी कंडीशन आपकी आ जाती है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए 7 × 10 बिल्कुल आपका 7 × 10 है, फिर आप 7 को 5 से करेंगे 7 × 5, और बीच में एडिशन का ये देखिए आपका प्लस का साइन है, ये आपका प्लस का साइन, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका ठीक है, तो कौन सा आपकी प्रॉपर्टी लग गया इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसे ही है, 18 × 20 + 7
तो अपना पहले 18 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको प्लस का साइन लगाना है और फिर 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट थ्री मल्टीपल्स, राइट द नेक्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ, इसमें आपका फर्स्ट है आपका 7। तो बेटा 7 वन जा 7, ठीक है, फर्स्ट 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 जा 28। सिंपल आपको टेबल लिखनी है, जितनी उसने बोला थ्री मल्टीपल्स बोला तो आपने नेक्स्ट थ्री लिख दिया। ठीक है, 9 1 is 9, 9 2 is 18, 9 3 is 27, 46, 36, okay? 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24. ठीक है, तो बस आपको सिंपल मल्टीपल्स बोला जाए, अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल बोला जाए तो आप सिंपल से क्या करेंगे, उसमें आप सिंपल टेबल लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिक्स नेक्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 7, नेक्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड नेक्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 80। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के मल्टीपल्स लिखने मीन्स आपको 7 की टेबल लिखनी है, बट ओनली आपने कहाँ तक अभी तक पता है आपको 7 की टेबल, 10 तक आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बट आपको अब इसके भी आगे जब तक आपका 80 से कम, क्योंकि 80 तो 7 की टेबल में नहीं आता ना, तो 80 से कम जितनी भी हो सकते हैं वो हमें लिखना। देखिए 7 की टेबल, 7 वन से 7, 10 तक। अब उसने क्या बोला, 80 से कम जो नंबर हो और 7 की टेबल में आता हो लास्ट नंबर। बेटा अगर हम 7 11 से करेंगे तो बेटा आपको क्या आएगा, 77। ठीक है, अगर हम 7 12 से करते हैं तो अब 80 पहुंच जाएगा, इसलिए हमें सिर्फ कहां स्टॉप कर देना है, 77 पे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 80 आर दिस। ओके, तो आपको 7 के मल्टीपल्स कितना लिखना है, 80 से कम लिखना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8th मल्टीपल, 8th मल्टीपल ऑफ 2 एंड विद द 5th मल्टीपल ऑफ 6। ध्यान दीजिए, 8th मल्टीपल ऑफ 2, 2 का 8th मल्टीपल बेटा क्या होता है, 8 टू जा 16। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है किसके साथ में, 5th मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 का 5th मल्टीपल क्या होगा बेटा, 30। ठीक है, 6 5 जा 30, तो 6 का 5th मल्टीपल हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे तो क्या आएगा, 16 3 जा 48 एंड 6। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, अब इसमें आपका 6.1 जो है ये आपकी फिनिश हुई। अब एक बार 6.2 देख लेते हैं। देखिए बेटा, बहुत सिंपल है एक 6.2। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपका अगर कहीं जीरो आपको दिखता है तो आपको बहुत लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना, सिंपल 3 बनसा 3। ठीक है, आपने डिजिट से किया, अब जो जीरो आता है एंड में कितनी जीरो है, 1, तो आपको 1 जीरो हो गया। ठीक है, 14 को मल्टीप्लाई करना है 3, जीरो को कुछ नहीं देखना, आपको जीरो को देखना ही नहीं है। 14 वन जा 14 को 3 से आपने किया तो क्या आएगा आपका, 42, और कितनी जीरो है, 1। ठीक है, अब 5 का आपने किससे करना है, 1 से 5 वन जा 5, कितनी जीरो है, 1। 127 को आपको किससे करना है,
फोर से, इसमें 2 0 और ऐड करो, ठीक है। 127 को आपको किससे करना है, 4 से, 127, इतनी लंबी तो आपको टेबल नहीं आती, ठीक है। हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं 47 सा, ठीक है, टेबल आप ऐसे ही बनाते हैं। 127 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 127 4 से पता चल जाएगा क्या आता है, 47 से 28, 42 से 8 और 2, 10, 41 से 4 एंड 15, ठीक है, 508। और कितनी जीरो है 4 के साथ, 2, 2 जीरो आ गई, ठीक है। अब देखिए 318, 318 जा 318, कितनी जीरो है, ठीक है। 26, 26 टू जा 52, कितनी जीरो है, इस तरह। 347 को 1000 से करेंगे तो बेटा 347, ठीक है, 1 जा 347 और एंड में कितनी जीरो है, 1 2 एंड 3, ठीक है। लास्ट में आपको जितनी जीरो हो उतनी लगा देनी है, और सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करना है, आगे वाले नंबर से। जीरो से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको आगे नंबर से करना है। 347 कितनी जीरो एंड में, 3, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी 6.2। तो बेटा 6.1 एंड 6.2 आपकी आज मैंने कंप्लीट करवा दी। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क, बेटा इसकी घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।